हेलो फ्रेंड्स, क्या आप कोई भी प्रॉपर्टी, फ्लैट या अपार्टमेंट का मार्केट वैल्यू जानना चाहते हैं? तो इसके लिए गवर्नमेंट वेबसाइट है जहां से आपको सही मार्केट वैल्यू मिल जाएगा। हम लोग वेस्ट बंगाल में हैं और इसीलिए आज हम लोग गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल की डायरेक्टरेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड स्टैम्प रेवेन्यू अथॉरिटी का जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट से हम लोग पता करेंगे कि कैसे आप अपना फ्लैट या अपार्टमेंट का मार्केट वैल्यू देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को वेबसाइट में लॉगिन करने होंगे और वेबसाइट का एड्रेस है wbregistration.gov.in। इस वेबसाइट में आने के बाद आपको सबसे पहले लेफ्ट हैंड कॉर्नर में कुछ टैब देखने को मिलेगा। उसमें एक टैब है मार्केट वैल्यू ऑफ फ्लैट और अपार्टमेंट। हम लोग इस टैब को क्लिक करेंगे। अभी आपको जो प्रॉपर्टी का मार्केट वैल्यू सर्च करना है उसका सारा डिटेल आपको देना है। मैं यहाँ पे हाइपोथिकल बेसिस में कुछ इन्फॉर्मेशन फिलअप करने वाला हूँ और उस बेसिस पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कैसे आप कोई भी प्रॉपर्टी या अपार्टमेंट का मार्केट वैल्यू पता कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑलरेडी कोलकाता सिलेक्टेड है। हम लोग अगला टैब में आएंगे। अगला टैब है थाना। मान लेते हैं कि हम लोग बहु बाजार एरिया में कोई फ्लैट का हम लोग वैल्यूएशन देखना चाहते हैं। अब देखिए ये KMC के अंडर में आता है तो ऑटोमेटिकली लोकल बॉडी प्रीफिल हो गया है। मौजा जो है नॉट अवेलेबल है। रोड जो है हम लोग रोड कोई भी रोड का नाम दे देते हैं। यहाँ से मान लीजिए बिपिन बिहारी गंगोली स्ट्रीट, यानी बीबी गंगोली स्ट्रीट का कोई भी जो प्लॉट है उसका कोई हम लोग वैल्यू देखना चाहते हैं। रोड जोन यहाँ पे पूछा जा रहा है। हम लोग यहाँ से दे देते हैं नंबर 1 सियालदह 5 फ्लाईओवर टू कॉलेज स्ट्रीट। ये एकदम हाइपोथिकल बेसिस में है। ऐसा नहीं कि मैं किसी पर्टिकुलर फ्लैट का वैल्यूएशन देख रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए अगला है प्रीमिसेस नंबर, वार्ड नंबर, ये ऑप्शनल है। अगर आप चाहें तो इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। और यहाँ पे देखिए प्लॉट नंबर, प्लॉट नंबर जो है ये प्रीफिल हो चुका है, इसमें लिए हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते। प्रोजेक्ट नेम जो है ये ऑप्शनल है। अपार्टमेंट टाइप में हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं फ्लैट और अपार्टमेंट। अब अगला टैब में जाएंगे। अगला टैब में देखिए यूज ऑफ फ्लैट, रेजिडेंशियल जो है वो रेजिडेंशियल हम सिलेक्ट करते हैं। अगला टैब है फ्लोर टाइप। फ्लोर टाइप हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं टाइल्स का या मोजाइक का ही सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मार्बल सिलेक्ट हो गया, मैं मोजाइक सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब चलिए फ्लैट लोकेटेड इन विच फ्लोर, हम लोग मान लेते हैं कि सेकंड फ्लोर में है। अब फ्लैट नंबर जो है वो ऑप्शनल है। एज ऑफ द फ्लैट मान लेते हैं 25 ईयर्स। लिटिगेशन ऑफ द प्रॉपर्टी नो, इफ द प्रॉपर्टी इज ऑन नॉट येस। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनकम्बेंट बाय रेंट बाय टेनेंट, यहाँ पे नो सिलेक्ट कर देते हैं। और यहाँ पे इस बिल्डिंग हैज मोर देन 2 फ्लोर, हम लोग यहाँ से यस सेलेक्ट कर देते हैं। लिफ्ट फैसिलिटी है कि नहीं, इस क्वेश्चन को हम लोग यस कर देते हैं। और यहाँ पे कैप्चा पुट करते हैं 68852। अभी हम लोग डिस्प्ले करेंगे, डिस्प्ले मार्केट वैल्यू। देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फील्ड शुड बी गिवन सुपर बिल्डअप एरिया, तो हम लोग यहाँ आपको यहाँ पे सुपर बिल्डअप एरिया जो वो देने होंगे। और यहाँ से हम लोग सर्च करके देखेंगे कितना प्राइस आ रहा है। हाँ देखिए यहाँ पे हम लोगों को प्राइस दिखा रहा है 1,32,23,438 रुपीज़। इसी तरीके से आप कोई भी प्रॉपर्टी या अपार्टमेंट का मार्केट वैल्यू को सर्च कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। ऐसे वीडियो के लिए आप मेरा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप और कौन सा टॉपिक में अगला वीडियो देखना चाहते हैं। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स, बाय बाय।